नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पे जो है अब आप लोग वहाँ पे अनुदान राशि दिया जाएगा और जो पहले आप लोग का अनुदान मिलता था उसको वहाँ पे जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अभी जो है सरकार की तरफ से आप लोग का इलेक्ट्रिक वाहन के लिए जो है नया नीति आप लोग वहाँ पे लागू किया गया है, जिसमें कि अगर आप दो पहिया वाहन खरीदते हैं, तीन पहिया वाहन खरीदते हैं या फिर चार पहिया वाहन खरीदते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, यानी कि जो आप लोग का चार्ज होकर चलता है वैसा गाड़ी आप खरीदते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से आप लोग को अनुदान राशि दिया जाएगा। और ये जो अनुदान राशि है ये बहुत ही ज्यादा आप लोग का अनुदान राशि हो जाता है, जैसे कि लगभग 50% तक आप लोग का जो अनुदान है वो आप लोग वहां पे मिलने वाला है। साथ में जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी आप लोग को छूट दिया जाएगा, यानी कि अलग अलग तरीके का जो लाभ है वो आप लोग वहां पे मिलने वाला है। और ये सब जो है सरकार की एक नई नीति है जिसके अंतर्गत आप लोग वहां पे मिलने वाला है। साथ में इसका जो स्वीकृति है वो भी आप लोग का कैबिनेट के द्वारा यहां पे कर दिया गया है, तो आप लोग का ये जो योजना है वो भी आप लोग वहां पे शुरू हो चुका है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। आप जो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन यहां पे खरीदने वाले हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे योजना हो सकती है और आपको जो है इसमें बहुत सारा यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो है सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल सकेगा और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे बताते हैं कि आप लोग को इलेक्ट्रिक वाहन में किस तरीके से यहाँ पे छूट मिलने वाला है, अब कितना आप लोग को अनुदान दिया जाएगा और कितना कितना आप लोग को लाभ मिलने वाला है। टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे, थ्री व्हीलर पे, सब पे मैं आप लोग वहां पे जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पे देख पाऊं दोस्तों, मेरे पास जो एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, यहां पे आप लोग का जानकारी दिया गया है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि आप लोग का इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है वो आप लोग यहां पे लागू हो चुका है और इसकी मंजूरी जो है वो आप लोग का कैबिनेट से यहां पे मिल चुका है। 23 फैसले पे जो है आप लोग का मोहर लगा है, जिसमें कि आप लोग का एक जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी है उसमें भी आप लोग यहाँ पे जो मोहर है वो आप लोग का लग चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी बड़ी छूट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सरकार आप लोग को जो है सब्सिडी देने वाली है। आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, चाहे वो फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, किसी भी प्रकार का आप जो है गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जो है सरकार आप लोग को यहाँ पे जो है अनुदान देने वाली है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 समेत 23 फैसलों को मंजूरी दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि 15 वर्ष पुराना सभी सरकारी वाहनों को सब्सक्राइब करने के लिए ई ऑक्शन कराया जाएगा। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए जो है आप लोग का नया नीति यहां पे लागू कर दिया गया है और जो 15 साल से पुराना यहां पे सरकारी गाड़ी है उसको यहां पे सब्सक्राइब करवा दिया जाएगा, यानी कि उसको यहां पे जो है कबाड़ी में यहां पे बेच दिया जाएगा, तो इसका जो है स्क्रैपिंग करवा दिया जाएगा। और इस तरीके से आप लोग वहां पे जानकारी दिया गया है। अब यहां पे देखिए कितना कितना आप लोग को लाभ मिलने वाला है। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कितना कितना आप लोग को लाभ मिलेगा वो आप यहां पे समझिए। तो यहां पे आप लोग को जानकारी दिया गया कि दो पहिया और तीन पहिया, यानी कि अगर आप टू व्हीलर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उस पर आप लोग वहां पे लाभ मिलने वाला है, स्कूटी अगर आप खरीदते हैं तो उस पर आप लोग को लाभ मिलने वाला है, और तीन पहिया जैसे कि आप लोग का जो टोटो होता है वो आप यहां पे खरीदते हैं या फिर जो कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन आप यहां पे तीन पहिया खरीदते हैं तो उस पर भी आप लोग को लाभ मिलने वाला है। पहले बताया गया कि पहले 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर जो है प्रति किलोवाट आप लोगों को 5,000 रुपये की छूट मिलेगी, यानी कि जो भी आप लोग वहाँ पे किलोवाट रहेगा उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। और 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन जो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बिहार में खरीदा जाएगा उन सभी पे जो है प्रति किलोवाट आप लोगों को 5,000 रुपये का छूट मिलने वाला है। मान लीजिए कि 5 किलोवाट का अगर आप लोग का रहता है तो आप लोग को जो है 5,000 करके यहाँ पे जो छूट मिलेगा। हालांकि गाड़ी में जो आप लोग का रहता है इससे ज्यादा यहाँ पे आप लोग का रहता है, लेकिन मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग को छूट मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे बताया कि SC ST को 7,500 रुपये की छूट मिलेगी। नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वही जो आप लोग का 5,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को वही पैसा जो है 5,000 के बदले 7,500 रुपया जो है प्रति किलोवाट के दर से यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे लाभ दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे बताया कि टैक्स में जो है 75% तक की जो छूट है वो आप लोग वहाँ पे मिलने वाला है। मान लीजिए जो RTO टैक्स लगता है, ये सब जो आप लोग का टैक्स लगता है, उन टैक्स पे जो है आप लोग को 75% तक का जो छूट है वो सरकार यहाँ पे देने वाली है। साथ में बताया गया कि 10,000 वाहन बिकने के बाद वाहन खरीद पर जो है 5 साल तक टैक्स में 50% छूट मिलेगी। तीन पहिया वाहनों की खरीद के लिए अगले 5 वर्ष तक निबंधन में जो है 50% की छूट मिलेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 10,000 वाहन यहाँ पे खरीद लिए जाते हैं उसके बाद जो आप लोग को लाभ मिलेगा उस पर जो है 50% कहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से दो पहिया और तीन पहिया वाहन के लिए जो है आप लोगों का सूचना दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो चार पहिया वाहन है उसमें कितना लाभ मिलेगा। तो यहां पे देखिए चार पहिया वाहन के बारे में जानकारी दिया गया कि प्रति किलोवाट जो है 10,000 रुपए के हिसाब से जो है आप लोगों को छूट यहां पे दिया जाएगा सामान्य के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और अधिकतम जो है 1.25 लाख रुपए, जबकि SC ST के लिए जो है 1.5 लाख रुपए तक का जो लाभ है वो आप लोग वहां पर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1.25 लाख रुपए आप लोग वहां पर दिया जाएगा, अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का आप लोग का जो अनुदान है वो सरकार आप लोग वहां
पे देने वाली है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा छूट हो जाता है। आप लोग का जो गाड़ी होता है वो 5 लाख 6 लाख कहाँ पे होता है, तो उसमें जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो है वो सरकार आप लोग को दे देगी। बहुत ही आप लोग का आसान हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो आप लोग का पैसा मिलेगा उसके बाद भी आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी चार्ज आप लोग का कम लगने वाला है। 50% 75% जो है उसमें भी आप लोग का कमी आएगा, तो उसमें भी आप लोग कहाँ पे बचत होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग कहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कहाँ पे जो सूचना निकल के आ रही है। साथ में मालवाहक जो वाहन होता है उसमें भी आप लोग कहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ऐसे वाहनों के लिए जो है 5 साल तक मोटर वाहन टैक्स में जो 50% की जो छूट है वहां पे दिया जाएगा। और साथ में बताया गया कि दूसरी ओर भारी मालवाहक बस भी वाहनों के लिए 2 साल तक जो है टैक्स में 75% की जो छूट है वो आप लोग कहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कहाँ पे सूचना निकल के आ रही है। बिहार में अब जो है अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो आप लोग का स्कूटी हो गया, आप लोग का मोटरसाइकिल हो गया, अगर आप लोग का 3 व्हीलर खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो हर एक कैटेगरी में आप लोग कहाँ पे लाभ मिलने वाला है। पहले तो आप लोग को सरकार यहाँ पे जो है अनुदान देगी, उसके साथ साथ आप लोग कहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी आप लोग का जो 50% से लेकर जो है 75% तक का छूट आप लोग वहाँ पे मिलने वाला है। तो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है बिहार के सभी लोगों के लिए। अगर आप जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब आप लोग को वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।